हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग इस समय सद्भावना पुल के पास और यहाँ पर फिल्म की शूटिंग हो रही है। और इस शूटिंग में हमारे जो अभिनेता हैं, भोजपुरी गायक और अभिनेता दिनेश लाल यादव जी आ चुके हैं। वैसे तो गाइज, इस लोकेशन के बारे में आप लोग को बताने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोकेशन आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है अपने जौनपुर सिटी का। तो वैसे अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको बताते चलें कि जौनपुर का सबसे फेमस प्लेस हो गया है ये, है अपने जौनपुर का गोपी घाट, जिसे मरीन ड्राइव का रूप दे दिया गया है। यहाँ पर आए दिन भैया हमेशा किसी न किसी फिल्म या एल्बम की शूटिंग होती रहती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हमारे दिनेश लाल रघुआ जी का शूटिंग हो रहा है यहाँ पर, और शूटिंग की वजह से यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़बरदस्त है और भीड़ को रोकने के लिए यहाँ पर गार्ड वगैरह थे। और यहाँ पर पिछले कुछ दिन पहले कल्लू, जिसे अरविंद यादव, अरविंद उर्फ कल्लू जिसे बोला जाता है, वो भी आए थे, उनकी फिल्म की शूटिंग हो गई थी। तो उसके बाद तुरंत देखिए यहाँ पर निरहुआ जी आ चुके। तो अब भैया अपना जौनपुर जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, यहाँ पर आए दिन हमेशा किसी न किसी फिल्म की शूटिंग होती रहती है, क्योंकि यहाँ का लोग काफ़ी लुभावना होते चला जा रहा है। गाइस, तो आप सभी ने देख ही लिया कि फिल्म की शूटिंग कैसे होती है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है फिल्म की शूटिंग करने में, और यहाँ पर फिल्म की शूटिंग के लिए जो सेटअप है वो सेटअप सुबह से यहाँ पर तैयार करके रखा गया था, और ढेर सारी शूटिंग यहाँ पर हो चुकी थी। तो दिनेश लाल यादव का थोड़ा सा सीन था जिसको शाम को यहाँ पर आकर उसको शूट किया जा रहा है। तो शूटिंग अभी देर शाम तक हुई, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा, एक समझ लीजिए छोटा सा स्टेप ही समझ लीजिए शूटिंग करने के लिए 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। एक मात्र स्टेप करने के लिए 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर शूटिंग वगैरह हो रही है, दूर दूर से लोग देखने के लिए भी आए हैं। और शूटिंग तो फिलहाल सुबह से हो रही थी, हमें मालूम नहीं था। तो शाम को हम जब आए तो देखे तो भैया यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, और एक प्यारा सा यहाँ पर दिल भी बनाया गया है। अब इस दिल का इस शूटिंग में क्या लेना देना है वो आगे की शूटिंग में होगा। तो जाहिर सी बात है, अब गाने की शूटिंग है तो ये सब चीज़ें दिखाई जाएगी। और ये फूलों से दिल बनाया हुआ बहुत ही गजब का है, और अपने जौनपुर का ये लोकेशन बहुत ही बेस्ट लोकेशन है। अगर आप जौनपुर वासी हैं, अगर यहाँ अभी तक नहीं आए हैं तो आइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। और नदी के पास की वजह से ही इसका लोकेशन बहुत ही, और दोनों तरफ अब अपना घाट भी तैयार हो गया, हनुमान घाट प्लस गोपी घाट, दोनों घाट तैयार हो गया, और सब लोग देख कर निरहुआ को खुश हो चुके हैं। और इसी तरह से यहाँ पर आए दिन लोग घूमने आते हैं, उसे आज संडे के दिन था, इस वजह से काफ़ी भीड़ ज़्यादा थी यहाँ पर। और बाकी नदी में भी पानी भी है, तो पानी की वजह से इसका थोड़ा सा लुप्त और भी लोग उठा रहे हैं। सो गाइस, तो ये छोटा सा ब्लॉग था, हमने सोचा कि भाई आप लोग को दिखा दें। तो इसी तरह से शूटिंग वगैरह हो रही है अपने जौनपुर में, और आए दिन होती भी रही भाई, क्योंकि जौनपुर अपना भाई, अब जौनपुर में बॉलीवुड तक पहचान हो चुकी है अपने जौनपुर वालों की। तो इस बार
जौनपुर समझ लीजिए घाट की वजह से सबसे आगे जा रहा है। और भी उम्मीद करता हूँ और ढेर सारी चीज़ें जौनपुर में नए निर्माण कार्य होंगे जिससे जौनपुर को लोग अच्छे से जानेंगे। और बाकी शूटिंग का कार्य इसी तरह से यहाँ पर चल रहा है और कई जगहों पर, एक ही जगह नहीं, कई जगहों पर शूटिंग की का कार्य किया जा रहा है। हमें लगता है लगभग पूरा शूटिंग जौनपुर में किया जा रहा है। तो हर प्रकार की फिल्मों का शूटिंग अब अपने जौनपुर में होने लगा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पीछे अपना शाही पुल है, तो शाही पुल का नज़ारा तो भाई